नमस्कार, रागगिरी वीकेंड इंटरव्यू सीरीज में आपका स्वागत है। सिलसिला अब काफी पुराना हो चुका है। आप जानते हैं कि शुक्रवार, शनिवार और रविवार हम आपकी मुलाकात कराते हैं देश के, बल्कि देश के बाहर भी बसे तमाम ऐसे कलाकारों से जो भारतीय शास्त्रीय संगीत के साधक हैं। टीम के दूसरे हिस्से में आपको दिखाई दे रहे हैं मंदार गाडगिल जी। युवा शास्त्रीय गायक हैं, प्रतिभाशाली हैं और आज वो हमारे मेहमान हैं, तो इसलिए सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। मंदार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। नमस्कार शिवेंद्र जी और सभी दर्शकों का मेरा बहुत बहुत नमस्कार। तो मंदार जी, एक इंटरव्यू की रवायत सी रही, हालांकि बीच में हमने उसको थोड़ा चेंज कर दिया था, लेकिन अब एक बार फिर से उसी पे लौटते हैं कि हम अपने मेहमान से हमेशा ये गुजारिश करते हैं विनम्रता से कि वो कोई भक्ति संगीत की कोई रचना सुनाए, कोई भजन सुनाए, जिसके बाद फिर हम इस बातचीत के सिलसिले को शुरू करें, क्योंकि किसी भी चीज की शुरुआत के लिए भजन से अच्छा तो कुछ हो भी नहीं सकता। तो आपसे भी यही गुजारिश करेंगे। बिल्कुल सुनाएंगे। तो मैं एक भजन सुनाता हूँ जो संत तुकाराम, जो महाराष्ट्र के बहुत बड़े संत हो चुके, उनका लिखा हुआ है और ये गाया है मेरे दादा गुरु पंडित जितेंद्र अभिषेकी जी। तो उन्होंने ये गाया है। इसके शब्द है, विष्णुमय जग वैष्णवांचा धर्म भेदा भेद भ्रम अमंगल। इसका मीनिंग ये है कि जो वैष्णव है उनको तो पूरा जग विष्णुमय दिखेगा, तो ये भ्रम नहीं है, उनको तो दिखेगा ही। और जो लोग ऐसा दिखाई देना भ्रम है ऐसा बोलते हैं, वो अमंगल है ना। तो ऐसा इसका मतलब है, विष्णुमय जग वैष्णवांचा धर्म भेदा भेद भ्रम अमंगल। चलिए भजन सुन लेते हैं। बिल्कुल। सावरे सुंदर रूप मनोहर राहो निरंतर हृदय माझे आणिक काही इच्छा विष्णुमय जग विष्णुमय जग विष्णुमय जग वैष्णवांचा धर्म भेदा भेद भ्रम भेदा भेद भ्रम विष्णुमय जग विष्णुमय जग। आई काजी तुम्ही भक्त भागवत आई काजी तुम्ही भक्त भागवत कराल ते विष्णुमय जग जग विष्णुमय जग वैष्णवांचा धर्म भेदा भेद भ्रम भेदा भेद भ्रम जीवाचा
त्याही जीवाचा तो जिस महान कलाकार का जिक्र भी मंदार ने किया, पंडित जितेंद्र अभिषेकी जी का, गोवा के पास के रहने वाले थे और उनके बारे में यूं तो मतलब उनकी महानता के कई किस्से मुझे पता है, लेकिन सबसे बड़ी बात थी, जो सबसे बड़ी सहज बात थी, कि उन्होंने बरसों बरस जो संगीत की शिक्षा दी, तालीम दी अपने शिष्यों को, कभी उनसे कोई पैसा नहीं लिया, कभी उनसे कोई रकम नहीं ली उस शिक्षा के बदले। तो ऐसे महान कलाकार की परंपरा से आते हैं मंदार। मंदार, अब थोड़ा सा सिलसिलेवार तरीके से बताइए कि आपकी अपनी संगीत सीखने की जो शुरुआत हुई वो कैसे हुई। अच्छा, तो मेरे घर में ऐसा मतलब मेरे जो पिताजी है, दादाजी है या मेरी मम्मी के साइड के लोग, तो उनमें से गाने वाला ऐसा कोई नहीं है। लेकिन मेरे परदादा जो है वो कीर्तनकार थे, बहुत अच्छे कीर्तनकार थे, कीर्तन परंपरा में उनका बहुत नाम था और गाते भी बहुत अच्छे थे। तो उनका थोड़ा मुझे लगता है कि थोड़ा उनका जीन्स मुझ में आया और थोड़ी लगन थी मेरी संगीत की ओर। और मम्मी की तरफ से मेरी मासी गाती है, वो भी बहुत बड़ी गायिका है, पंडित फिरोज दस्तूर और रानड़े अशोक रानड़े जी के पास सीखी है। तो ऐसा थोड़ा मेरा बैकग्राउंड है। लेकिन ऐसा कुछ घराने में संगीत है या बहुत बड़े गायक हो चुके हैं ऐसा कुछ नहीं था। तो ऐसे ही मतलब मैं स्कूल में जो कंपटीशन होती है, सिंगिंग कंपटीशन, उसमें मैं हिस्सा लेता था और थोड़े बहुत जो मराठी के भाव संगीत है वो गाता था। तो मेरे स्कूल के टीचर ने बताया कि मेरे मम्मी पापा को कि भाई इनका आवाज तो अच्छी है और ऐसा लग रहा है कि लगन है उनको, तो आप उसको संगीत सिखाइए। तो ऐसी मेरी शुरुआत हुई और पहले 2-3 साल तक मैं श्रीमती ज्योत्सना बख्शी जी, जो कि पूना की है, उनके पास बेसिक क्लासिकल म्यूजिक मैं सीखा 2 साल के तक। और उसके बाद पंडित विजय कोपरकर जी, उनके पास अभी 20-22 साल हो गए मैं तालीम ले रहा हूँ। तो ऐसे शुरुआत हुई और मुझे अच्छा लगता गया संगीत सीखना और उसका आनंद लेना। तो ऐसा प्रयास नहीं करना पड़ा मुझे भी और मेरे मम्मी पापा को भी कि भाई उसको डालना है, जाना ही है क्लास। तो बहुत नेचुरल तरीके से वो आता गया और मैं सुनता भी गया। और मेरी दादी भी थोड़ा गाती है भजन वगैरह, तो घर में माहौल था, सबको अभी भी बहुत अच्छा लगता है क्लासिकल म्यूजिक सुनना। तो उसी के मतलब माध्यम से, स्कूल के माध्यम से मैं संगीत सीखना शुरू किया। तो ऐसे ही शुरुआत हुई मेरी। अंदर इसी से जुड़ा एक और, इसी का एक और पहलू मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपने अभी कहा कि ऐसी कोई संगीत परंपरा, कोई बहुत मजबूत संगीत परंपरा परिवार में नहीं थी, तो ऐसे में आप बचपन में क्या सुनते थे, किन कलाकारों को सुनते थे, किन कलाकारों को सुन के वो, क्योंकि कहीं ना कहीं से वो जो इच्छा पैदा हुई, वो जो आपने सुना, जो अच्छा संगीत सुना, उसी की देन है। क्या सुनते थे आप बचपन में? बिल्कुल, तो बचपन में बेसिकली मेरे मम्मी और पापा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, अभी भी करते हैं, और मेरी फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया है। तो वो मुझे अच्छा संगीत सुनाते थे। जब मैं सीखने लगा तो मेरे पापा ने कैसेट प्लेयर अच्छा वाला मेरे लिए खरीदा और पहली जो रिकॉर्ड थी वो पंडित कुमार गंधर्व जी का राग भिपलास, वो मैंने पहली रिकॉर्ड सुनी थी। और मैं कुमार जी को सुनता था, मैं भीमसेन जी को बहुत सुनता था जब मैं छोटा था।
और किशोरी आमोनकर जी को सुनता था, ये आमिर खान साहब को सुनता था और मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं रात में सोने के वक्त खाने के बाद पापा लगाते थे कुछ ऐसे आमिर खान साहब या अरिजीत सिंह जी, तो मैं बहुत अच्छी तरीके से सुनता था मुझे बहुत। और ये तो गुजरे हुए कलाकारों का हुआ, बहुत से लोग उस टाइम थे लेकिन लाइव महफिलें नहीं करते थे। लाइव महफिलों में मैं पंडित सही अभ्यंकर जी, श्री अश्विनी भिड़े देश पांडे जी, उनका भी मैं बहुत सुनता था। फिर जब गुरुजी के पास मैं सीखा, पंडित विजय कोपरकर जी, उनका भी बहुत सुनता था। तो अच्छे अच्छे कलाकारों को मैंने सुना और उन्हीं को सुनता आ रहा हूँ। तो ऐसा अच्छे संस्कार मैं कहूँगा कि भगवान की देन है कि अच्छे माता पिता, अच्छे गुरु, अच्छी फैमिली और ऐसे कलाकारों को मैं सुनते हुए मैं बड़ा हुआ हूँ और अभी भी बहुत सुनता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, आपने पंडित विजय कोपरकर जी का जिक्र किया और आपने शिष्य के तौर पर उनके साथ काफी लंबा समय बिताया है, तो कुछ उनके बारे में भी शेयर कीजिए, कुछ उनके बारे में भी साझा कीजिए हमसे। मेरे गुरुजी पंडित विजय कोपरकर जी, ये डॉक्टर वसंतराव देशपांडे जो कि महाराष्ट्र के बहुत बड़े गायक हो चुके, उनके और पंडित जितेंद्र अभिषेकी जी उनके शिष्य है और उन्होंने कई और लोगों से भी कुछ चीजें हासिल की है। जैसे फॉर एग्जाम्पल पंडित बाड़ा साहेब पूछवाले जो ग्वालियर के थे, उनसे टप्पा गायकी, या चंद्रकांत आप्टे जी जो जमशेदपुर के थे, उनकी बंदिशें उन्होंने ली है। मैं एक हाथ गाऊंगा भी यमन में, तो उनकी बंदिशें उन्होंने ली है। तो ऐसा उनका एक क्या बोलते हैं हम, कॉन्फ्लुएंस की तीन चार गुरु से लेके, जयपुर है, आगरा है, किराना है, वसंतराव जी का अलग स्टाइल था। तो ऐसे उन्होंने शिक्षा पाई और उसमें कुछ अपना उन्होंने गायकी बनाई है। तो उन्होंने तालीम हमारी ऐसी होती थी कि अभी भी होती है कि एज अ परफॉर्मेंस, मतलब जब तालीम देते हैं तो कोई जो राग चल रहा है, मान लो भूप है, यमन है, बागेश्री है या भैरव है, तो एज अ कॉन्सर्ट जैसे हम गाएंगे कि पहले आलाप करेंगे, फिर ख्याल गाएंगे, फिर उसकी बढ़त करेंगे, है ना। तो ऐसे ही ताली मुझे पहले से मिली है कि एज अ परफॉर्मर हाउ टू लुक योर सेल्फ एज राग के, राग को कैसे देखना है हर तरीके से। तो ऐसे ही तालीम वो देते आ रहे हैं। और बाकी जो चीजें होती है कि आलाप या सुर की तरफ ध्यान देना, ये हमारे गायकी गुरुजी के गायकी का बहुत विशेष पहलू है कि सुर की तरफ ध्यान देना और फ्रेजिंग जो है राग का आलाप में, वो फ्रेजिंग बहुत अच्छा होना चाहिए। हमारे गुरुजी हमेशा कहते हैं कि अलग अलग सुरों से राग नहीं बनते, सिर्फ सुरों से राग नहीं बनते, फ्रेजिस से राग बनते, है ना। अगर यमन गाओ के ग रे म ग रे ऐसे नहीं है, नी रे ग म रे ग रे सा नी ध नी रे ध सा, ये फ्रेज हो गई। तो वो ऐसे फ्रेजिस देते थे हमको, एक राग कोई भी तालीम देते वक्त एक सात आठ आलाप देते थे जिससे पूरे तीनों सप्तक में वो राग का फ्रेजिस कवर होते हैं। तो और वो घंटों तक रियाज करना ताकि वो गले पे हमारे उतर जाए वो फ्रेजिस वो राग के। और फिर उनका ऐसा था कि बंदिश बंदिश आप बहुत गाइए, उसमें ही बहुत राग का दर्शन होता है। तो उन्होंने एक एक राग में, आम राग में तो 15-20 बंदिशें दी है, जैसे केदार हुआ, भूप हुआ, यमन हुआ, भैरव हुआ, इसमें ऑलमोस्ट हर एक राग में 15-20 बंदिश दिए हैं। तो और फिर तान में सुर रहना चाहिए, है ना, वो भी बहुत अहम बात है। तो उसके लिए सरल तान जैसे निरे गा मा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा, निरे गा मा धा नी रे सा नी धा पा मा गा रे सा, फिर अलंकार कुछ तानों के प्रकार, तो वो घंटों तक रियाज करना। और उनका ऐसा है कि अब बहुत सुनो बाकी आर्टिस्ट जो बुजुर्ग है, जो पिछले पीढ़ी के हैं उनको भी सुनो, जो गुरुजी के पीढ़ी के हैं जैसे उल्लास जी हो गए, वेंकटेश जी हो गए, अश्विनी जी है, उनका भी सुनो और हमारे एज ग्रुप के जो है उनका भी सुनो। तो सबका सुनना चाहिए कि कौन आप कैसे सिखा रहा है, किसके पास अच्छा है, क्या अच्छा है, वो हम अपने संगीत में कैसे ला सकते हैं, उसके बारे में विचार करना चाहिए। तो ये मुझे लगता है कि बहुत ही ओपन
तरीके का तालीम गुरुजी अभी भी देते हैं। और वो मतलब गाना सिखाना एक बात है, वो ये भी कहते हैं कि आप आनंद दीजिए, गाना और कोई कौन सी भी कला बेसिकली इट इज फॉर आवर हैप्पीनेस। बाकी जो चीजें है, प्रोग्राम्स है, पैसा है, फेमसिटी है, वो अपने आप आ जाएगा। आप अपना गाना अच्छा करिए, आप रियाज करिए, आप सिंसियरली संगीत का आनंद लीजिए। और आपको जिंदगी में क्या अहम बातें हैं, व्हाट आर योर प्रायोरिटीज, वो आप डिसाइड करिए। सिर्फ पैसों के पीछे भागना या फेमसिटी के पीछे भागना, आप अपने गाने पे ध्यान दीजिए, लोग आपको भुलाएंगे। तो ये जो सीख है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इस जमाने में हमारे पीढ़ी के लिए तो मुझे लगता है इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि हम गाना क्यों कर रहे हैं, वजह क्या है, किसी भी कला को प्रैक्टिस करने के पीछे क्या वजह है वो समझाना, ये सच में गुरु का गुरुत्व है। क्योंकि गाना तो बहुत सारे सिखाते हैं, और वो इजी नहीं बोलता हूँ, वो एक बात होगी, लेकिन वो गाना क्यों करना है वो समझाना, और वो शिष्य को क्या बोलते हैं हम कन्विंस करना, ये बहुत अहम बात है। जो गुरु का गुरुत्व जो मैंने बोला वो उस पर डिपेंड करता है, ऐसा मुझे लगता है। तो आई एम रियली लकी कि मैं गुरुजी का अभी भी तालीम लेता हूँ, और 20-22 साल हो गए, तो अभी भी वो ऐसा ढूंढ के निकालते हैं, जब क्लास में तालीम जब होती है तब एकदम सही से निकालते हैं कि अरे ये तुम्हारा सुर नहीं लग रहा है यहाँ, या ये तुमने फ्रेज कैसे ली इस राग में, ऐसा नहीं होगा, या ये अच्छा लगेगा, ये ट्राई करो तुम, इसके ऊपर ध्यान दो। अभी भी बताते हैं, दिस प्रूव्स कि वो खुद रियाज करते हैं, वो आगे जा रहे हैं, इसलिए वो हमें बता सकते। नहीं तो अगर वो रियाज नहीं करते तो हम सेम लेवल पे आ जाते। तो वो भी हमारे लिए बहुत क्या बोलते हैं अच्छी बात है, और वी लुक अप टू हिम कि वो भी इस उम्र में इस लेवल पे वो रियाज करते हैं, वो खुद के गाने पे विचार करते हैं। तो हमको एक मोटिवेशन मिलता है कि भाई, मोटिवेशन भी है और डर भी रहता है बहुत कि गुरुजी अभी भी रियाज कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, तो हमने तो करना चाहिए। दैट इज द मोटिवेशन दैट आई गेट फ्रॉम माय गुरु कि वो भी खुद एक अच्छा स्टूडेंट अभी भी है, और वो खुद बोलते हैं कि प्रयास तो करना चाहिए हर दिन। बिस्मिल्ला खान साहब ने बोला था कि मैं प्रयास करता हूँ आज से कल और सुरीला बन जाओ, तो हम क्या चीज है। तो ऐसा है, और बहुत मुझे अच्छा लगता है, बहुत मैं भाग्यशाली हूँ कि उनके छत्रछाया में मुझे बहुत सीखने को मिल रहा है अभी भी। मैं अगला प्रश्न दरअसल मंदार यही पूछने वाला था कि गुरु की कोई ऐसी सीख जो जैसे जैसे आप मेच्योर हो रहे हो वैसे वैसे आपको समझ में आ रही हो, लेकिन आपने उसका जवाब पहले ही दे दिया कि पहले खुद को अच्छा लगना चाहिए, जब खुद को अच्छा लगेगा तभी दूसरों को भी अच्छा लगेगा। यहाँ एक दो चीजें छोटी छोटी और जोड़ता हूँ जिससे आपको भी थोड़ा सा जानकारी मिलेगी। आपने बिस्मिल्ला खान साहब का उदाहरण दिया, पंडित बिरजू महाराज भी यही कहते हैं कि वो कलाकार बाद में है, पहले वो शिष्य हैं, क्योंकि पहले वो एक चीज सीखते हैं और फिर वो चीज अपने शिष्यों को सिखाते हैं। तो मुझे, मैं एक बार उनका साक्षात्कार कर रहा था तो उसमें उन्होंने कहा कि वो अब भी शिष्य बने रहना चाहते हैं। और एक चीज जो मैं और जोड़ता हूँ, पंडित राजन साजन मिश्र की कही हुई कि जब वो स्टेज पे बैठते हैं तो सबसे पहले वो कोशिश करते हैं कि वो जो गा रहे हैं उससे उन्हें आनंद मिले, जब उन्हें आनंद मिलेगा तभी वो आनंद आगे जाएगा। खैर, क्या बात, ये तो हम लोग की बातचीत बहुत चलेगी। आपने वो जो एक छोटी सी तान ली और आपने जो चार पांच भूप और यमन का मतलब लालच कान में पैदा कर दिया, तो अब एक कोई शास्त्रीय राग आपसे सुनना चाहेंगे। बिल्कुल, तो मैं जैसे मैंने कहा कि एक राग यमन में दो बंदिशे में पेश करूंगा। ये दोनों बंदिशे पंडित चंद्रकांत आपटे जी जो जमशेदपुर के थे उनकी है, और उन्होंने बहुत बंदिशे बनाई जो हमारे गुरु जी को सिखाई और गुरु जी ने हम सब शिष्यों को वो सिखाई है। तो मैं थोड़ा 5-6 मिनट यमन सुनाता हूं।
मैं हूँ नार पराया
पराए घर की मैं हुनार, पराए घर की मैं हुनार, पराए घर की करो नमो से जोरा जोरी, करो नमो से जोरा जोरी, मानले बतियारी मोरी दे दे चुनरिया मोरी दे दे यमन के बारे में रागगिरी के सब्सक्राइबर्स को बता दें कि दो बहुत ही बेसिक चीजें हैं। हालांकि एक तो सबसे ज्यादा जो प्रचलित राग है उसमें से राग यमन है, और तमाम फिल्मी गाने आपको इस राग पर आधारित मिलेंगे। और साथ ही साथ जब आप शास्त्रीय संगीत की तालीम लेना शुरू करते हैं तो जो शुरुआत के राग आपको सिखाए जाते हैं, और कई गुरु तो ये भी कहते हैं कि अगर आप एक राग अच्छे से सीख लें, कई सारे राग सीखने की बजाय अगर आप 2-3 साल लगाकर एक राग सीख लें तो वो तमाम रागों के रास्ते को खोल देता है। तो वो भी यमन की एक खासियत है कि शुरुआती रागों में से है। आप मंदार, आपसे नाट्य संगीत के बारे में भी जानना चाहेंगे, क्योंकि आपकी कला का एक बहुत मजबूत पक्ष वो भी है। चूंकि हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो हिंदी भाषी फील्ड से ज्यादा आते हैं, थोड़ा सा बताइए मराठी नाट्य संगीत की जो परंपरा है उसके बारे में और उससे आपका जो जुड़ाव है उसके बारे में। बिल्कुल, मराठी नाट्य संगीत जो है वो नाटकों में जो संगीत होता बहुत पुराने जमाने से, जो कि पहले तो भास्कर बुआ बखले जी, मान लो कि आज से 150 साल पहले से ये परंपरा महाराष्ट्र में है कि संगीत नाटक जिसमें गाना बजाना नाटक में, तो नाटक जो है वो उसका एक स्टोरी लाइन है, तो संगीत जो है वो नाटक में इतना एक्यूरेटली फिट होता है कि वो नाटक की कहानी को आगे ले जाता है, वही संगीत नाटक है। वसंतराव जी ने कहा कि पहले नाटक लिखो फिर उसमें जगह निकालो कि कहाँ गाना फिट हो सकता है, जैसे बॉलीवुड में होता है मोस्टली कि गाना डाल दिया, यहाँ पे थोड़ा ग्लैमर चाहिए गाना डाल दिया, ऐसा नहीं है। इट शुड बी ब्लेंडेड, नाटक और संगीत एकदम ब्लेंड होना चाहिए, और संगीत का जो गाना है वो नाटक की स्टोरी लाइन को आगे लेके जाएगा। दैट इज द परफेक्ट डेफिनेशन ऑफ संगीत नाटक, ओके, इन महाराष्ट्र एटलीस्ट। तो संगीत नाट्य संगीत में क्या क्या है मराठी नाट्य संगीत में, तो टप्पा का अंग है, ठुमरी का अंग है, बंदिशों का अंग है, भास्कर बुआ बखले, जैसे एक सिर्फ उदाहरण देता हूं कि यमन में जो है एक बंदी साप हरवा मोरा दे हो मंगा, ये बंदिश है, इस पे नाट्य गीत बनाया, नाथ हा माझा मोही खला, लेकिन उसमें आलापी थोड़ी प्रवाही होती है, उसमें यमन नहीं गाना है, यमन बेस्ड है लेकिन जैसे हम चैन से आलापी करते ख्याल में वैसा नहीं है, थोड़ा प्रवाही होता है उसमें, हरकतें मुर्की या थोड़ी तान,
या बोल आलाप बोलता जैसे शब्दों को लेकर, और नाट्य प्रसंग अनुरूप जो प्रसंग है नाट्य में, नाटक में जो सिचुएशन है उस पे फिर थोड़ा इनेक्टमेंट, तो वो स्टेज पे होता था। लेकिन महफिलों में जो नाट्य गीत प्रेजेंट किया जाता है वो थोड़ा सा संस्कारित रूप हम कह सकते हैं, कि थोड़ी सी आलापी, थोड़ा ज्यादा आलापी या थोड़ा सा राग बेस उसमें ज्यादा, तो ऐसे होता है। तो नाट्य संगीत ने बहुत से इन्फ्लुएंसेस लिए हैं, कर्नाटक संगीत से लिए है, है ना, तो ठुमरी है, दादरा है, बंदिशे हैं, तो ये है तो ऑलमोस्ट मतलब उसको सुगम संगीत कहते हैं हम लोग, लेकिन वो राग बेस ही है, सेमी क्लासिकल क्लासिकल म्यूजिक से ही आया है। तो इट इज अ वेरी रिच ट्रेडिशन, बहुत ही बाल गंधर्वी जी जैसे लोग थे, और हमको पता है कि दीनानाथ राव मंगेशकर जो लता जी के फादर, वो बहुत उनकी परंपरा थी नाट्य संगीत की। और भी बहुत से लोग थे, वजे बुआ उनका भी नाट्य संगीत में था, मास्टर कृष्णराव जी उनका भी नाट्य संगीत में बहुत योगदान है, क्योंकि पंडित जितेंद्र अभिषेक जी उनका तो बहुत योगदान है नाट्य संगीत में, उन्होंने बहुत कंपोजिशंस की। तो ऐसी बहुत ही प्रभावशाली परंपरा है नाट्य संगीत की, और गुरुजी से और कुछ अच्छे लोगों का सुन के हम थोड़ा बहुत गाते हैं। तो एक नाट्य संगीत पेश करता बाल गंधर्व जी का। जन भय हरण हे
अलग अलग राज्य, अलग अलग स्टाइल, अलग अलग कलाकारों से मिलने का आनंद ही यही है कि हम समृद्ध होते हैं, हमारी जो संगीत की समझ है वो समृद्ध होती है। हम आज जैसे हमने मंदार जी से नाट्य संगीत के बारे में भी समझा, उनसे सुना भी, हाल में ही आपकी मुलाकात मैंने भरतनाट्यम नृत्यांगनाओं से कराई थी। तो कुल मिला जुलाकर कोशिश यही है कि जो हमारा धरोहर है, हमारा जो संगीत है, उसकी जो परंपरा है, उसको हम आप तक पहुंचा सकें और उसके बारे में जितनी ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस हम क्रिएट कर सकें वो करें। मंदार जी, आपने हमारे लिए समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी और रागगिरी के सब्सक्राइबर्स की तरफ से कि आपकी जो गायकी है वो और ऐसे ही सशक्त होती रहे, आपकी गुरु शिष्य परंपरा जिसमें आप सीख रहे हैं वो और मजबूत होती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू शिवेंद्र जी और राग गिरी के सभी दर्शकों को कि आपने मुझे इनवाइट किया इस छोटे से इंटरव्यू के लिए। बहुत आनंद आया। थैंक यू वेरी मच।